हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज। माय नेम इज अंकित लीला सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केवीएस के एग्जाम के इंग्लिश के क्वेश्चन सीरीज का सिक्स्थ वीडियो, जिसमें आज हम फिर से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आज के पेपर की खास बात यह है कि इस पेपर में हमने केवीएस 2018 के दो एग्जाम्स म्यूजिक एंड वर्क एक्सपीरियंस के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। उन दोनों पेपर के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। सो गाइज, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है, जिसमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसको आपको क्या करना है, इम्प्रूव करके बताना है। यानी आप इस बात को जानते हो कि इस पार्ट में एरर है और हमें इसको इम्प्रूव करना है, और ये नीचे हमें गिवन ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, इन चारों में से किसी एक ऑप्शन का यूज़ करके। सो गाइज, सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट को रीड करूँ तो ये है कि इट इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। उसने बोला कि बहुत ईजी है और ये मेरे लिए एक बच्चों का खेल है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट स्पीच में है इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वो कोटेड होते हैं अंडर द इन्वर्टेड कॉमा, राइट। तो इस बात को याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, स्पीकर के वर्ड हैं कि उसने ऐसा बोला। सो मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन है, इनमें से किसी एक से रिप्लेस करना है ये अंडरलाइन पार्ट को। सो गाइस, इस बात को आप मुझे एक बार मुझे बताइए कि जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे, आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। आप इस बात को जानते होंगे कि ए और एन को हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। और जो द जो है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। यस सर, नो, हम इनका यूज़ किससे पहले करते हैं? अब बोलोगे सर इनका यूज़ हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज़ हम करते हैं। यस और नो, ये स्पेसिफिक केस में इसका यूज किया जाता है, किसका, दा का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए बहुत ही ध्यान से कि जो चाइल्ड्स प्ले लिखा हुआ है ये कोई नाउन नहीं है जो कि हम ए का यूज़ करें, तो ये बात क्लियर है। यहाँ पे ए नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, नाउन नहीं है, अंडरलाइन पार्ट कुछ इतना तक है ये। यस और नो, ये क्या है, एडियम है। और इस एडियम का मतलब क्या होता है कि द टास्क या समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू। सो गाइज, यहाँ पर ए नहीं आ रहा है तो सिर्फ क्या आएगा, चाइल्ड्स प्ले आएगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। और आप इस बात को जानते हैं कि इससे पहले ए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ए, एन या द जो आर्टिकल है इनका यूज़ किससे पहले किया जाता है, इनका यूज़ नाउन से पहले किया जाता है। और आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो चाइल्ड्स प्ले है कोई नाउन नहीं है बल्कि क्या, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी इजी टू डू। यस और नो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो गाइज, नाउ वी हैव रीच्ड टू सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज वॉट अवर कंपनी कैन गेट द ऑर्डर इफ द क्लाइंट एग्रीज टू द प्राइस। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, और ये जो अंडरलाइन पार्ट आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसको इम्प्रूव करके लिखना है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास चार गिवन ऑप्शन हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक गिवन ऑप्शन ये भी हो सकता है, इन चारों में किसी एक को मिस करके नो इम्प्रूवमेंट भी लिखा सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिछले प्रैक्टिस सेट्स हैं उनमें कुछ ऑप्शन ऐसे थे। नो इम्प्रूवमेंट कब आता है, जब ये सारी बात सही लिखी हो तो आप नो इम्प्रूवमेंट में जाते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज, मैं इस स्टेटमेंट का मतलब एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अवर कंपनी कैन गेट द ऑर्डर इफ द क्लाइंट एग्रीज टू द प्राइस। लेट्स से कि आपकी कोई कंपनी है और आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर, जो लोग वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं आपके आपकी कंपनी में, कि हमें जो भी चीज़ें बाय करनी है वो आपकी कंपनी में ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप किन किन लोगों के ऑर्डर प्लेस हो पा रहे होंगे उस कंपनी में, जो भी लोग आपने जो प्राइस डिसाइड किया है उस प्राइस को पे करने के लिए एग्री हो जाते होंगे। यस और नो, अगर वो उस प्राइस को पे करने के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं तो आई डोंट थिंक वो ऑर्डर प्लेस कर पा रहे होंगे। लेट्स से कि अगर कोई चीज़ किसी वेबसाइट पे कोई चीज़ 400 रुपीज़ की शो हो रही है एंड यू वांटेड टू बाय इट 350, तो आई डोंट थिंक आप उस ऑर्डर को प्लेस कर पाओगे। आप 400 पे जाके 400 रुपीज़ का ही ऑर्डर, आप अगर 400 रुपीज़ अमाउंट लिख रखा है तो आप 400 रुपीज़ के साथ ही उस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। यस और नो, तो यही इसमें बोला गया कि हमारी कंपनी, अवर कंपनी कैन गेट द ऑर्डर, कि ऑर्डर हम ले सकते हैं इफ़ द क्लाइंट एग्रीज टू द प्राइस, क्लाइंट जो है प्राइस पे कर, उस प्राइस पे एग्री हो जाए। सो गाइज, मैं उससे एक बार ऑप्शन को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे हमारा ऑप्शन है कुड गेट, कुड गेट का जो यूज़ होगा, कुड का जो यूज़ होता है, आप इस बात को जानते हो कि सर या तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, और यहाँ पे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात ही नहीं है कोई। यस और नो, रिक्वेस्ट की कोई बात नहीं है, या फिर पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाएगा ये, सॉरी पास्ट एबिलिटी के लिए। यस और नो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कुड गेट ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। माइट गेट की बात की जाए, माइट गेट का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, माइट का जो यूज़ किया जाता है वो लोअर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर हमारा कब यूज़ किया जाएगा,
आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है, यहाँ पे हमें लगता है ये पास्ट फॉर्म है, यस और नो, द लोअर पॉसिबिलिटी ओरिजिनली इसका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ भी लोअर पॉसिबिलिटी कोई बात नहीं है। यस और नो, पॉसिबिलिटी समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं, शुड गेट की बात कीजिए, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे ना तो क्या बोला गया कि आपको लगा कि कहीं सजेशन ही दिया गया कि अवर कंपनी शुड गेट द ऑर्डर, कि हमारी कंपनी को ऑर्डर लेना चाहिए इफ़ द क्लाइंट एग्रीज टू द प्राइस, अगर क्लाइंट उस प्राइस को उस प्राइस पर अग्री हो जाता है तो। सो गाइज ये ऑप्शन सेकंड है, ये हमारा करेक्ट है। मे गेट की बात की जाए तो मे गेट भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। सो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉसिबिलिटी कोई बात ही नहीं है, फैक्ट की बात की जा रही है कि अगर क्लाइंट एग्री हो जाता है प्राइस पे तो उसे ऑर्डर हमें प्लेस कर लेना चाहिए, तो शुड गेट हमारा परफेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ गाइज वी हैव रीच्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपको जो है इस वर्ड, ये जो वर्ड दिया गया है आप मुझे पढ़ के बता सकते हैं क्या बोला गया है? आप बोलोगे सर बेस्ट डिस्क्राइब्स बोला गया है, विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड, यानी हमें क्या बताना है, सिनोनियम बताना है, इसका साइनो बताना पड़ेगा, यस और नो। सो मेरे प्यारे बच्चे अनोनिमस की बात की जाए तो अनोनिमस वर्ड का मतलब क्या होता है, अननेम्ड। बहुत सारे राइटर ऐसे होते हैं या बहुत सारे आप कोर्ट्स पढ़ते होंगे कि नीचे लिखा था गुमनाम, ठीक है, तो गुमनाम हो गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनोनिमस बोलते हैं, यानी कि अन्य कोई भी ऐसा थॉट कोर्ट्स चेंक्स जिसके नीचे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, और किसने लिखा है वी डोंट नो, दैट इज व्हाट एनोनिमस। सो गाइज लैकिंग इन क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर से आप ये वर्ड का, इस वर्ड को डिफाइन कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों सेकंड है हमारा हैविंग नो मीनिंग, इसका मतलब देखिए जो सबसे ईजी होता है वो क्या होता है, मीनिंग लेस। और अगर मैं इसको आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई वर्ड बताऊँ तो एब्सर्ड को आप ऐसे लिख सकते हो, एब्सर्ड, राइट। प्रॉब्लमेटिक ऐसी कोई चीज़ जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और एनोनिमस का मतलब क्या होता है, अननेम्ड, जिसका मतलब किसी कोर्ट सेइंग या फिर किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी बुक नॉवल्स जिस पर राइटर का नाम मिसिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटन बाय एनोनिमस। ओके, हो सकता है कि बंदा बताना चाहता हो किसने लिखी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लिख देते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि सामने वाले को पता चले कि हमने लिखा है, तो हम बताते नहीं हैं, सीधा क्या लिख देते हैं, एनोनिमस लिख देते हैं। फोर्थ में क्या बोला गया है, एनेमोमीटर का मतलब क्या होता है, क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा बता सकता है कि एनेमोमीटर का मतलब क्या है, क्योंकि ये एक इंग्लिश का ही नहीं फिजिक्स का भी क्वेश्चन है जो आपको जीएस में भी हेल्प करेगा, तो आई होप अगर आपकी जीएस भी अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, पर गैस कीजिए फिर मैं बताता हूँ। सो गाइज एनेमोमीटर का जो मतलब होगा वो बहुत ईजी है, आपने सबने मुझे लगता है आंसर दे भी दिया होगा, जो ऑप्शन थर्ड है हमारा, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स विंड स्पीड, उसको हम क्या बोलते हैं, एनेमोमीटर बोलते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक बार मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। बोला गया एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द अमाउंट ऑफ रेन दैट हैज़ फॉलन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी बारिश होती है और कितनी बारिश हुई ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा हमें, ऐसा तो है नहीं कि आप स्केल से नापने जा रहे हो, अच्छा 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है, ओ गलती से स्केल जो है साइड वाले नाली में चला गया, ओ आज तो 15 सेंटीमीटर बारिश चली गई है, तो ऐसा नहीं है, इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि बारिश कितनी हुई है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मेरे बच्चों वो क्या होता है, रेन गाइज। उसके अलावा डिवाइस यूज्ड टू फोरकास्ट वेदर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों वेदर को फोरकास्ट करने के लिए बहुत सारे डिवाइस का यूज़ किया जाता है, राइट। सो मैं बात करूँ अगर कि अगर बहुत सारे डिवाइस का यूज़ किया जा रहा है तो कौन सी डिवाइस जो है हमारे लिए सबसे बेस्ट होगी, कि लगभग आप कह सकते हो कि 15 डिवाइस ऐसे हैं जिनका यूज़ करते हैं हम किसके लिए, वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो आपको याद रखना है वो कौन सा याद रखना चाहिए, डॉपलर रडार, ओके। इसका यूज़ जो है मतलब ये बेसिकली सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है इसको, डॉपलर रडार को। नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल एड टू रिड्यूस वेट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यार, मतलब कि आपकी वेट लॉस मशीन के जितने सारे जो आपके एक्सरसाइजेस हो गए, ट्रेडमिल हो गया, इसके अलावा दूसरी जो मशीन्स होती हैं वो सब इनके आंसर हो सकते हैं, तो आई डोंट थिंक ये जो इतना सेंसफुल ऑप्शन है। फिफ्थ पे हमें बोला गया है क्या, कि अपोजिट वर्ड बताना है आपको, अपोजिट, राइट, बहुत ईजी है। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ ये बताने से पहले, कि आप मुझे बताइए, आप सभी ने ये वर्ड बहुत अच्छे से सुना होगा एक्स, और ये भी चीज़ सुना होगा कि फॉर्मर, यस सर नो। कई बार जैसे टीवी पे प्राइम मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे होते हैं तो उनके नाम के पीछे लिखा रहता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, या कई बार ये लिखा आता है कि लेट्स से अगर वो क्रिकेट कैप्टन हो तो एक्स कैप्टन या फॉर्मर कैप्टन, तो आप मुझे बता सकते हैं एक्स और फॉर्मर वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक आपको भले ही पता ना हो लेकिन आपको सुनने में मज़ा आ रहा है कि सर इसका परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए,
सो गाइज, एक ऐसा बच्चा हो सकता है कि उसकी लाइफ में उससे जस्ट पहले कोई पर्सन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ तो एक्स को अगर मुझे प्रॉपरली बोलना पड़े तो क्या बोलूँगा? एक्स इज़ यूज्ड फॉर द इमीडिएट पास्ट। ओके, यस और नो? लेकिन ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी शिकारी ऐसे हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे शिकारी ऐसे होंगे जो कि ऐसे बोल सकते हो कि उनके पास पिछला ही नहीं, बहुत बहुत पिछला भी होगा। तो बहुत पिछला को आप क्या बोलोगे? तो फॉर्मर जो वर्ड होता है ना, आप ये बात तो समझ गए कि एक्स क्या होता है और फॉर्मर क्या होगा, कि एक्स से पहले वाला। लेट से कि अगर एक पर्सन के है, और लेट अगर मैं बोलूँ के जो है वो लेट से कि एल पर्सन के की लाइफ में था, लेकिन के जो है बहुत बड़े खिलाड़ी आदमी है, एल के अलावा एम पी क्यू आर ये सब हैं, लेकिन जो रिसेंट लेटेस्ट कौन सा था एल था, बाकी ये जो है पुराने हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एल जो होगा ना, वो एल क्या होगा? ये तो होगा एक्स, और बाकी जो पहले वाले हैं ये सारे क्या होंगे? फॉर्मर होंगे, यानी एक्स से पहले वाले, बिफोर एक्स। ऑल पर्सन, इट रेफर्स टू, आप ऐसे लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू ऑल बिफोर एक्स। एक्स से पहले जितने लोग भी हैं। लेकिन अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फॉर्मल का अपोजिट वर्ड पूछा गया, और फॉर्मल का जो अपोजिट वर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? लेटर होता है। यस और नो? फॉर्मल लेटर। अगर मैं बात करूँ फॉर्मल और लेटर की, तो अगर कोई पर्सन ओरिजिनल पोजिशन ये है, फॉर्मल मतलब कि पीछे का और लेटर मतलब कि इसके आगे का। यस और नो? एफ और ई एल। गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में हमें क्या बोला गया है कि जो फिलअप हमें गिवन है, इस फिलअप को हमें फिल करना है विद द यूजिंग द गिवन ऑप्शंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि इसमें ये बोला गया, ही सेड दैट, ही डैश हिम। सो गाइज, इस बात को समझिए कि ये जो है, सबसे पहले क्या आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये बता पा रहे हैं कि सर ये इनडायरेक्ट स्पीच है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस चीज़ को पहचान पा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे होंगे। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब भी कोई भी हो सकता है कि ये जो ये पर्सन है, ही स्पीकर जो है, स्पीकर को सेड दैट से बोल, सेड एंड देन दैट, इससे कनेक्ट किया गया है। यानी कि जो भी स्पीकर है और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको दैट से कनेक्ट किया गया हो, और जो भी चीज़ बोली गई इनवर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, यस और नो, तो वो क्या बन जाती है? इनडायरेक्ट स्पीच बन जाती है। और भाई, स्पीकर के वर्ड्स को जब हम इनवर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच होती है। तो यहाँ पे स्पीकर के वर्ड्स को जो है इनवर्टेड कॉमा में नहीं लिखा गया, बल्कि कंजंक्शन दैट से ज्वाइन किया गया है। यस और नो? तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, और मैंने आपको पहले या दूसरी वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ वो जाकर देखें, कि मैंने ये बोला था कि इनडायरेक्ट स्पीच के चेंज करने के रूल क्या होते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसमें हम डायरेक्ट स्पीच को चेंज करके विल बना दें। यस और नो? क्योंकि ये बात तो आप जानते होंगे ना कि इनडायरेक्ट स्पीच अपने आप नहीं बनी है। इनडायरेक्ट स्पीच अगर बनाई गई है तो ये बात पक्की है, 101% ट्रू है, कि इससे पहले डायरेक्ट स्पीच रही होगी। तो ही हमें क्या बनाना पड़ रहा है? इनडायरेक्ट स्पीच बनानी पड़ रही है। तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप चेंज करो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और विल में चेंज हो जाए। तो विल में नहीं चेंज होगा, ना ही कैन में चेंज होगा। विल, कैन, ये सब डायरेक्ट में हो सकते हैं, तो फ्यूचर में चेंज होकर वुड में बन जाते हैं। यस और नो? तो जो ऑप्शन थर्ड है हमारा, वुड नेवर फॉरगिव, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और मीनिंग क्या दे रहा है? ही सेड दैट ही वुड नेवर फॉरगिव हिम, यानी उसने कहा कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। यस और नो? इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फोर्थ ऑप्शन की बात करें, शुड नेवर फॉरगिव, तो शुड नेवर फॉरगिव जो है ना, तो ये यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि शुड जो है एक तो सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए दिया जाता है, यहाँ पे एडवाइस की बात नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एक एक्शन की बात की जा रही है जो उसने बोला कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं, और इसमें क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन भी फिलिप्स रिलेटेड है। ही वॉक्ड वेरी फास्ट एंड आई डैश पेस विद हिम। तो ऑब्वियसली एक बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जब दो चीज़ों को एंड से जोड़ा जाएगा तो इससे पहले वाली जो चीज़ होगी वो जो पॉजिटिव है, तो इसके बाद वाली भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यस और नो? अगर ये नेगेटिव होगा तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि सेम मैनर के सेंटेंस होने चाहिए। वही अगर यहाँ पे बट होता, इनकेस अगर यहाँ पे बट होता, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होता, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता। इतनी बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एंड है, और एंड क्या करता है? पॉजिटिव सेंटेंस को पॉजिटिव से ऐड करता है और नेगेटिव को नेगेटिव से ऐड करता है, कंजंक्शंस के रूल के अकॉर्डिंग।
सो गाइज यहाँ पे ये देखिए, ही वॉक्ड वेरी फास्ट। तो इस बात को आप समझ पा रहे हो कि जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, पास्ट का है, पास्ट का है। तो हमारा इसमें भी जो आएगा वो भी पास्ट का ही होगा, तो इसमें से ये प्रेजेंट का है ये आंसर नहीं होगा। इसके अलावा हम बाकी सबको कंसिडर करेंगे, यस सर ना। तो इसमें ये बोला गया ही वॉक्ड वेरी फास्ट, क्योंकि बहुत तेज उसने वॉक किया, बहुत तेज चला। एंड आई कुड नॉट पेस विद हिम, आई डिड नॉट कीप पेस विद हिम, आई वुड नॉट कीप पेस विद हिम। तो मेरे प्यारे बच्चों, वुड नॉट होना चाहिए या कुड नॉट होना चाहिए? तो बोलोगे सर ये बेसिकली पास्ट एबिलिटी की बात है, क्योंकि इतने तेज चला कि उसके साथ साथ नहीं चल सका, नहीं चल पाया, यस और नो। तो जो हमारा ऑप्शन सेकंड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुड नॉट कीप पेस विद हिम, कि मैं उसके साथ उसके जैसे स्पीड नहीं बना पाया, उसके साथ स्पीड मेंटेन नहीं कर पाया। विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, तो हमें डिलीजेंट बोला गया है, और डिलीजेंट का हमें इसका पता नहीं, बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनियम जो इसको बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिलीजेंट वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, मेहनती, ऐसा कोई पर्सन जो खूब मेहनत करता हो। अब आपका आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचोगे सर डायरेक्टली डिलीजेंट बोल सकता था, इसने पूरा स्टेटमेंट क्यों दिया? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जामिनर ये नहीं चाहता है, वो ये नहीं जानना चाहता है कि आपकी रटने की कैपेसिटी कितनी है, वो ये जानना चाहता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी अच्छी है। तो आप इस चीज़ को पढ़ के समझ सकते हैं कि इस डिलीजेंट का मतलब क्या आ रहा है। सो दे वर डिलीजेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़, कि अपने काम को करने में क्या है, बिल्कुल ही डिलीजेंट है, मेहनती है। तो एक वर्ड होता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस वर्ड का भी मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियस होगा, यस और नो। आगे मूव करें, इसके अलावा मेटिकुलस है, सिंसेयर है, ट्रुथफुल है। मैं चाहता हूँ कि सिंसेयर एंड ट्रुथफुल, ये तो सभी आप जानते होंगे, मेटिकुलस वर्ड का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें ये बोला गया है कि एरर बताना है आपको, चार पार्ट गिवन है आपको, पहला पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों पार्ट में से किसी एक पार्ट में एरर है और आपको वो एरर बताना है। तो आप इस बात को जानते हो, ही इन्वाइटेड हिम, ही इन्वाइटेड हिम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के सेकंड फॉर्म हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आगे चलते हैं विद अ व्यू, विद अ व्यू ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। ये एक एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, राइट। उसके बाद बोला गया टू रिजॉल्व। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस बात को समझना है कि जो हमारी वर्ब एडवांस होती है, वर्ब एडवांस के तीन टॉपिक होते हैं, यस और नो। आप जानते होंगे या फिर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे, सर वर्ब एडवांस नाम की भी चीज़ होती है क्या? यस, वर्ब एडवांस मैंने लिखा और मैंने क्या बोला, इसके तीन टॉपिक होंगे, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट कौन सा है हमारा, या बोलोगे सर एक पार्ट तो होता है जिरंड, दूसरा होता है इन्फिनिटिव, एंड थर्ड जो होता है हमारा, इसको पार्टिसिपल बोल दीजिए, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल इसका ओरिजिनली कहा जाता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए कि जिरंड की जो पहचान होती है वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, टू प्लस वी वन का यूज़ किया जाता है, टू प्लस वी वन, जो पार्टिसिपल होंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यस और नो। आपने एक टर्म सुनी होगी सर, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, तो बेयर इन्फिनिटिव की बात की जाए गाइज, तो बेयर इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव का टर्म देता है, लेकिन वहाँ पे जो होगा बेयर इन्फिनिटिव के अंदर आपका ये जो है ना टू प्लस वी वन जो मैंने लिखा, टू प्लस वी वन, तो इसमें गाइज जो आपका जो टू होगा ना, टू ये मिसिंग रहता है। ये बात आपको समझ में आई, टू वहाँ पे लिखा नहीं जाता, लेकिन वो एक्सप्रेशन जो देता है कैसा देता है, इन्फिनिटिव का भी देता है, इन्फिनिटी का ही देता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो आप एक बात तो समझिए बिल्कुल ध्यान से, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि या तो जिरंड से फॉलो किए जाते हैं या फिर इन्फिनिटिव से फॉलो किए जाते हैं, पार्टिसिपल से फॉलो किए जाते हैं। सो गाइस, जो विद अ व्यू टू है ना, विद अ व्यू टू, ये ऑलवेज किससे फॉलो किया जाता है, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय, इट इज ऑलवेज, यानी ये जहाँ भी दिखेगा तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, जिरंड आएगा, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय जिरंड, यस और नो। तो जो टू रिजॉल्व बोला गया है, यहाँ पे टू रिजॉल्व ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिजॉल्विंग होना चाहिए, यहाँ पे जिरंड आएगा, हम इसको चेंज करके इन्फिनिटिव को चेंज करके क्या बनाएंगे, जिरंड बनाएंगे। इसको मैं डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ, खूनी रंग में लिखता हूँ, ठीक है, आप इसको खूनी रंग में समझिए क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, रिजॉल्विंग यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो हमारा जो पार्ट थर्ड है ये एरर वाला है, ये हमारा क्या है, एरर वाला है, यह सर ना पार्ट थर्ड। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया आपको ये बात। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो इन्फिनिटिव से फॉलो किए जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जिरंड से फॉलो किए जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे पार्टिसिपल से फॉलो किए जाते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेट्रो में ट्रेवल करते होंगे, और मेट्रो में समय समय पर एक अनाउंसमेंट बजती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, खाना पीना, धूम्रपान करना
म्यूजिक बजाना दिल्ली मेट्रो में प्रतिबंधित है। ये हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? काइंडली अटेंशन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लिसनिंग म्यूजिक, डांसिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिल्ली मेट्रो। तो जो ड्रिंकिंग बोला गया है, डांसिंग, म्यूजिक, स्मोकिंग, ये सब क्या है? आप बोलोगे सर इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन स्टिल हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं। सो गाइस, ये कुछ और नहीं, क्या है? जिरंड है, जो भी मैंने आपको बताया। तो जिरंड का यूज एज अ सब्जेक्ट भी किया जा सकता है। आपको आने वाली क्लासेस में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट स्टॉप गैप। स्टॉप गैप का मतलब क्या होता है, आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट देखने का शौकीन होंगे, और उनका फेवरेट जो प्लेयर हुआ हो सकता है विराट कोहली हो, और कुछ का हो सकता है रोहित शर्मा हो। तो आप में, आप जितने भी जो जिनको अच्छे से क्रिकेट की समझ है, वो ये बात हमेशा सोचते होंगे, यार रोहित शर्मा को कैप्टन क्यों बनाया गया है? मतलब ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रोहित शर्मा तो मतलब कि अब ऐसी एज में आ चुका है कि जहाँ से 2-3 साल बाद या 3-4 साल बाद रिटायरमेंट लेगा, हो सकता है मैक्सिमम 4-5 साल करियर उसका बचा हुआ हो, बाकी उस डिपेंड करता है उसकी फिटनेस पे। लेकिन फिर भी हमने को कैप्टन बना दिया है, 2-3 साल के लिए ही कैप्टन, उसके बाद परमानेंट कैप्टन कोई और आएगा, यस और नो? तो बोल सकते हो कि सर जब तक कि हम कोई चीज़ परमानेंट नहीं मिल जाती ना, तो तब तक उसकी कमी को पूरा करने के लिए जब किसी टेम्पररी चीज़ से काम चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉप गैप बोलते हैं। आप में से कई सारे ऐसे होंगे जो परमानेंट आने से पहले बहुत सारे टेम्पररी से काम चला रहे होंगे। तो समथिंग इंटेंडेड फॉर अ टेम्पररी यूज़, कि किसी जॉब में किसी भी चीज़ पर जब तक परमानेंट नहीं मिल जाता हमें कोई, तब तक हम टेम्पररी से काम चलाते हैं। सबकी प्रॉब्लम है, सब ऐसा करते हैं, आप भी करते होंगे। चलो, टॉल टेल का मतलब क्या होता है? लंबी लंबी फेंकना, बोस्टफुल टाइप, बोस्टिंग समझते हो ना? बोस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है बोस्ट, BOST, बोस्टफुल नेचर हो गया, बोस्टिंग हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि हम जस्ट फेंक रहे हैं, और आप ऐसे बहुत सारे फेंकते होंगे कुछ स्पेशल कंडीशंस में। अब कंडीशंस क्या होंगे, सबके अलग अलग हो सकती हैं। तो बोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि लंबी लंबी फेंकना, यानी कि ऑब्वियसली झूठ बोलना, अनअकाउंटेड फैंसीफुल एंड डिफिकल्ट टू बिलीव, कि हम उस पर, अब जो लोग फेंकते हैं ना, उसको बिलीव भी नहीं करते, अरे यार तो फेंक रहा है। और फैंसीफुल मतलब जो इमेज हमारे माइंड से क्रिएट की गई है, जो कि एक्चुअली इन्वेंटेड है, रियल नहीं है। तो टॉल टेल का मतलब क्या होता है कि एन अकाउंट दैट इज़ फैंसीफुल एंड डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी ऐसी कोई चीज़ जो कि क्रिएटिव में बनाई गई है, और उसको उसमें हम आसानी से बिलीव नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? टॉल टेल बोलते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हद से ज़्यादा लल्लू सवाल है, और आपको लगता होगा इतना लल्लू क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि यार इतना ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हर बच्चा टॉप करेगा? लेकिन हर बच्चा टॉप करे ना करे, और ऐसे क्वेश्चन आए ना आए, अगर आप फॉरवर्ड स्टडीज़ के सभी प्रैक्टिस सेट को करके जा रहे हैं इंग्लिश के, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो सारी वीडियोस देखिए, तो आपकी इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होने वाली है फॉरवर्ड स्टडीज़ के साथ। अपोजिट बताना है आपको ब्लैंक का। ब्लैंक का मतलब क्या होता है? ये ब्लैंक है, और ये क्या है बच्चों? बोलोगे सर ये तो भरा भरा है, यस सर नो? ये खाली खाली, ऊपर वाला खाली खाली, और ये भरा भरा है। तो आप बोल सकते हैं सर ब्लैंक का अपोजिट क्या होगा? कम्प्लीटली भरा हुआ, फुल। तो ब्लैंक का अपोजिट क्या होना चाहिए? फुल होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया? तो बहुत ईजी था, आगे मूव करते हैं 14 पे। सून द सन हैज सेट, जल्दी ही सूर्यास्त होगा। आप महाभारत के युद्ध में हैं, और आप वहाँ पे देख रहे हैं कि जो पांडव की सेना लगातार जीत रही है, और जो कौरव जो है हार रहे हैं। तभी कौरव में से एक आवाज़ आती है कि सर थोड़ी देर और लड़ लो, और लड़ लो, जल्द सूर्यास्त हो जाएगा। या सर, तो मैंने क्या बोला? जल्द ही सूर्यास्त हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलते होंगे सून आई विल बी अ टीचर, सून आई विल बी अ लाइब्रेरियन, ऐसे बोल रहे होंगे। तो बार बार मैं दोनों सेंटेंस बोला, और दोनों मैंने एक चीज़ बोली, सून के बाद विल बोला। तो हमेशा याद रखना है, सून जो होता है एक एडवर्ब होता है, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, और ऐसे वर्ब मैंने क्या बोला, द वर्ड विच क्वालिफाई हो सकता है, मॉडिफाई बोल दीजिए आसान बनाने के लिए, क्वालिफाई द वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड, जो एक्शन वर्ड को क्वालिफाई करते हैं ना बच्चों, उनको क्या बोला जाता है? एडवर्ब कहा जाता है, राइट? तो ये एक एडवर्ब है सून, मतलब काम होगा, कब होगा? जल्दी ही होगा। तो जल्दी क्या कर रहा है? काम होने की अवस्था को बता रहा है कि जल्दी ही होगा। तो जल्दी क्या है? वर्ब यानी सून एडवर्ब होगा, और सून के साथ हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है,
जो हेल्पिंग वर्ब फॉलो होती है वो किस चीज़ की होती है? विल इसके साथ फॉलो की जाती है। यू हैव टू रिमेंबर जहाँ भी सून होगा वहाँ विल लगाना है। तो हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है विल सेट, किसी क्योंकि इसी के अंदर विल है तो विल सेट। सनसेट की बात कर रहा हूँ, उस वाले सेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ज़्यादा मत सोचो, यहाँ पे आ जाओ। ही लिव्ड एट द मिडल ऑफ अ ग्रेट वुड। आप किसी चीज़ के मिडल में रहते होगे ना, मिडल पे थोड़ी रहते होगे। मैंने आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू एट द रेड लाइट, ऑन द रेड लाइट, इन द रेड लाइट। आप बोलोगे सर तीनों की मीनिंग ऑलमोस्ट बाय नियर है, लेकिन एट द रेड लाइट बोलना सही है क्योंकि रेड लाइट के आसपास। अगर मैं इन द रेड लाइट बोलूँ तो मैंने रेड लाइट के अंदर घुस चुका हूँ और मेरी आंखें जो हैं रेड लाइट और ये जो येलो और ग्रीन में से निकल निकल के बाहर देख रही हैं, वो आया क्या या वो आई क्या। और वही ऑन द रेड लाइट बोलूँ तो मैं उस रेड लाइट के ऊपर चढ़ के बैठ गया हूँ। या सर तो जो प्रीपोजिशनल एरर्स होते हैं ना, बहुत थोड़े बहुत ही अलग होते हैं लेकिन पूरी मीनिंग को चेंज कर रख देते हैं। तो आपने देखा बाकी तो कितने सेंसलेस हो गए, और एट द रेड लाइट कहना बिल्कुल सही है। उसी तरीके से जब हम कहीं रहने की बात कर रहे हैं और किसी चीज़ पे रहने की बात करते हैं तो इनका यूज़ करेंगे। अगर हम किसी प्लेस की बात करते हैं और प्लेस छोटा होता तो एट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं इनकी बात करूँ और एट की बात करूँ प्लेस के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इफ़ आई एम सेइंग आई लिव एट किसी यार मुंबई के महंगे शहर का नाम बताओ, याद तो नहीं आ रहा है, तो लेट से अंधेरी। हाँ आई लिव एट अंधेरी इन मुंबई। तो मैंने आपको प्रिपोजिशन कुछ चीज़ें बताई है, तब जो इनका यूज़ किया गया मुंबई के लिए यूज़ किया गया है और एट का यूज़ किया गया अंधेरी के लिए। यानी छोटी जगह के लिए हम एट का यूज़ करते हैं और बड़ी जगह के लिए इनका यूज़ करते हैं। ये बात क्लियर है। सिमिलरली वो तो प्लेस के लिए था राइट, और यहाँ पे क्या है कि प्लेस तो नहीं किसी परफेक्ट चीज़ पे की बात की जा रही है। तो हम बेड के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हो कि आई स्लीप ऑन द बेड या इन द बेड, तो आई स्लीप इन द बेड होता है राइट। सो सी लिव्ड इन द मिडल ऑफ द अ ग्रेट वुड, ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। फॉर द मिडल ऑफ नहीं होगा, ओवर द मिडल ऑफ भी नहीं होगा, आफ्टर द मिडल ऑफ भी नहीं होगा, इन द मिडल ऑफ हमारा परफेक्ट आंसर होगा। यस और नो, बाकी ये दो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इन के लिए आप कह सकते हो बिगर प्लेस, और ये एड जो होता है हमारे लिए ये स्मॉलर प्लेस के लिए यूज किया जाता है। यस और नो, आगे चलें। ही वॉन्ड अगेंस्ट, एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वॉन्ड के साथ हमेशा क्या आता है, अगेंस्ट आता है। हो सकता है कि आपके इन फ्यूचर क्वेश्चन में यहाँ पे एडेड देने के लिए वॉन्ड फॉर बोला जाता है या वॉन्ड अगेंस्ट ना देके कुछ और दे देगा, लेकिन आपको ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट वॉन्ड के साथ हमेशा अगेंस्ट आता है। मैंने पहले भी आपको बताया था और इस पर एरर भी आया था या सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, मुझे ठीक से याद नहीं है बट इस पर क्वेश्चन था। तो आप एक बार पहली वीडियोस देखकर आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, बोला गया ही वॉन्ड अगेंस्ट मेकिंग हैस्टी डिसीजंस। आपको बेस्ट एक्सप्रेशन वर्ड बताना है कि सिनोनियम बताना है, और हैस्टी वर्ड का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ बहुत जल्दीबाजी में करते हैं बिना ध्यान दिए, ठीक है। टू डू द वर्क, टू डू द वर्क केयरलेसली एंड इन हरी, जल्दीबाजी में केयरलेसली काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हास्टी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो बोलोगे सर समथिंग इज डन इरेगुलरली, कोई भी काम जो हम रेगुलर नहीं करते कभी कभार करते हैं तो ये तो नहीं होना चाहिए। समथिंग दैट इज डन इन हरी, अरे ये तो वही है जो आपने बताया, तो यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक द ग्रेड ऑफ, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और इसका मतलब आपको मुझे पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा, ये idiom है और इसका मतलब आपको हमें बताना है। यानी मेक द ग्रेड ऑफ, टू ऑप्शन रीड करता हूँ, टू प्रिपेयर फॉर द ग्राउंड फॉर अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, टू ऑब्स्ट्रक्ट अ प्लान ऑफ एक्शन सो एज टू फॉइल इट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना है राइट। टू आंसर समथिंग इन द नेगेटिव, कोई जिसका मतलब नेगेटिव किसी भी चीज़ का आंसर देना और नेगेटिव वे में देना। फोर्थ मतलब टू परफॉर्म वेल इनफ टू सक्सीड इन समथिंग। अब मुझे लगता है आपको इसका आंसर थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ सर यही है। सो गाइस, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये डाउट आता होगा कि सर कितने सारे idioms याद करें, और स्पेशली जब लिमिटेड टाइम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो हम याद नहीं कर सकते हैं, हम बहुत कम चीज़ें याद करके या फिर बहुत कम चीज़ें लर्न करके सक्सेस होने की कोशिश करेंगे। यस और नो, तो मेरे प्यारे बच्चों idiom में आपको क्या करना है कि जैसे बोलेगा मेक द ग्रेड, आप इस बात को जानते हो ग्रेड का मतलब जानते हो ना क्या होता है, क्लास में दिए जाते हैं आप ग्रेड ला रहे हो, ग्रेड ला रहे हो, टू मेक द ग्रेड, ग्रेड बनाओ राइट। तो आप ये जो idiom को ब्रेक करोगे ना, मेक को ब्रेक कर दो, द ग्रेड को ब्रेक कर दो, मेक द ग्रेड, हमें ग्रेड बनाना है राइट। यानी कि हमें बेसिकली मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने हैं तभी आपके ग्रेड इंप्रूव होंगे। तो फिर आप फिर ऑप्शन का यूज़ कीजिए। तो ऑप्शन अगर हम फोर्थ रीड करते हैं, टू परफॉर्म वेल इनफ टू सक्सीड इन समथिंग, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। तो idiom को आपको ऐसे टैकल करना है, पेपर में छोड़ के नहीं आना है, एक भी idiom नहीं छूटना चाहिए।
ईडियम्स को हम और कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये भी जब आगे ईडियम्स आते हैं तो उनको सॉल्व करवाते हुए मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको। 18th क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है एरर फाइंड आउट करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें चार पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, किसी एक पार्ट में एरर है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए कि मैं हर एक पार्ट को रीड कर रहा हूँ और आप बताएंगे सर इस पार्ट में एरर है या नहीं है। अगर एक और ऑप्शन होता ना नो एरर का, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है कि सर हो सकता है इसमें एरर भी ना हो, तो आप बहुत सारे बच्चे हो सकता है नो एरर पे टिक करें, कन्फ्यूजिंग ज़्यादा होता है। लेकिन जब नो एरर का ऑप्शन ना हो तो आप इस बात को समझ जाइए कि किसी एक पार्ट में तो एरर है, यानी एरर तो हमें बताना ही है। तो फिर हमारा ये मकसद भी होता है कि हम लोग गलत को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो सही को ढूंढ के एलिमिनेट करते चले जाएं। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल परफेक्ट है। टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, राइट, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, वेयर ही वॉज। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आया होगा कि सर वॉज है और यहाँ पे ही है, तो ये तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए वेयर वॉज ही, क्योंकि हम ये पढ़ के आए हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, यस और नो, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इस बात को समझो कि जो वेयर है वो किसकी बात कर रहा है, ये जो रिलेट कर रहा है किसको, हॉस्पिटल को, कि वेयर, जहाँ पे ही वॉज प्रोनाउंस्ड डेड इन अराइवल, राइट। तो ये चीज़ जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए कि जब हम किस जब क्वेश्चन वर्ड को हम कनेक्ट कर जब हम दो स्टेटमेंट को क्वेश्चन वर्ड से कनेक्ट करते हैं, राइट, तो वहाँ पे हो सकता है किस चीज़ का काम कर रहा है, एज अ कनेक्टिंग वर्ड काम कर रहा है। और जब एक कनेक्टिंग वर्ड काम करता है, दो स्टेटमेंट कनेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वेयर ही वॉज, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार बचपन में मैडम ने पढ़ाया था, मैम का नाम कुछ भी हो सकता है, याद कर लो अपनी इंग्लिश वाली मैम को, हो सकता है आपका मूड भी रिफ्रेश हो जाए। तो आप इस बात को समझते हो कि उन्होंने बोला था कि मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम कनेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं, तो हम वही क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करते हैं, और क्वेश्चन वर्ड का यूज करने के बाद बाकी का जो बचा हुआ स्टेटमेंट है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो वेयर है ये कनेक्ट का यूज कर रहा है, यस और नो। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो किस चीज़ में है, वो जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो अफर्मेटिव यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट है, यानी सेकंड पार्ट में कोई एरर नहीं है। प्रोनाउंस्ड बोला गया, डेड, प्रोनाउंस्ड डेड इन अराइवल, तो ये हमारा प्रोनाउंस्ड, ये भी बिल्कुल सही है, इन अराइवल। अब देखो, तीनों पार्ट में कोई गलती नहीं है, तो गलती किस में होगी, चौथे पार्ट में ही होगी। एक तो पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या, कोई भी चीज़ इन अराइवल नहीं होती है, एक फ्रेस होता है ऑन अराइवल। ऑन अराइवल का मतलब क्या होता है, ऑन अराइवल जो वर्ड है इसका मतलब होता है गाइज आने पर, आने पर। सेंटेंस इंप्रूव करना है आपको, जो अंडरलाइन पार्ट है इसको, आई रेफर टू द ईयर व्हेन द मॉनसून वाज फेल्ड, आई रेफर, ठीक है जी, सही है, टू द ईयर, मैंने उस साल को याद किया, रेफर किया, व्हेन, ये भी सही है, इसको कनेक्ट, व्हेन किसको कनेक्ट कर रहा है, इसको ईयर को, व्हेन द मॉनसून वाज फेल्ड या फेल्ड, बोलो कि सर फेल्ड होगा, क्योंकि हैज़ बिन फेलिंग तो नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ की, किसकी बात कर रहा है, उस किसी एक स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहा है। मैंने हमेशा आपको बताया कि हम किसी स्पेसिफिक ईयर की बात करें, जैसे लास्ट ईयर, इन 2006, या फिर किसी परफेक्ट, किसी एक एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो मानसून नॉट वॉज फेल्ड, मानसून फेल्ड, कि मैंने वो साल याद किया जब मानसून फेल हो गया था, मानसून नहीं आ पाया था। He that had most time has none to lose. मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझो, ये है आखिरी क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। नहीं समझोगे और पेपर में आ जाएगा तो क्या करोगे, मार्क्स तो लूज करोगे ही। दो वर्ड होते हैं गाइज, एक तो होता है मच, मच मच, अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताओ, टू मच और मच टू, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बताइए बताइए फास्ट, आप बताओगे, अदरवाइज अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, राइट। एक होता है मच गाइज और एक होता है मोस्ट, यस और नो। अब आप इस बात को समझिए कि जो मच का जो यूज़ किया जाता है, हमेशा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और अनकाउंटेबल से फॉलो किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब से फॉलो किया जाएगा, ओके। मोस्ट जो होता है अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, ओके। सो गाइस, जो टाइम क्या है हमारा, टाइम बेसिकली, और एक चीज़ और समझना है, जो मच का यूज़ किया जाता है किसी ज़्यादा चीज़ के लिए, बिगर के लिए, बिगर ज़्यादा, मोस्ट होता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा, गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। सो गाइज, यहाँ पे ये बात तो क्लियर है, ही दैट हैड
मोस्ट टाइम हैज नन टू लूज। तो जो मोस्ट के साथ जो टाइम है ये तो नहीं आएगा, ये जो टाइम के साथ जो मोस्ट है ये नहीं आएगा। क्या ना चाहिए, टाइम के साथ जो चीज़ यूज होती है ज़्यादा वो क्या यूज होती है, मच यूज, मच का यूज किया जाता है टाइम के साथ। आई डोंट हैव मच टाइम, राइट। या अगर हम टाइम के साथ यूज कर रहे हैं तो ऑफ लगा दें, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ लगा के हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, राइट। सो ये मोस्ट देखोगे इसके अंदर भी मोस्ट है, ये भी गलत, इसमें भी मोस्ट है, ये भी गलत। तो हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ऑप्शन सेकंड हैड मच टाइम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ही दैट हैड मच टाइम हैज नन टू लूज, उसके पास खोने के लिए ज्यादा समय नहीं था। सो गाइज ये थे आज के हमारे क्लास के 20 क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक भी दीजिए ताकि हम और अच्छे से इंप्रूव करके आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। और कंटेंट कैसा था ये भी आप मुझे बताइए, और क्या कंटेंट की जो कह सकते हो कि डिग्री ऑफ टफनेस है, क्या इसको इंक्रीज किया जाए या फिर ऐसी सीक्वेंस से चलते रहें, या चाहते हैं कोई अच्छे क्वेश्चन की सीरीज को लेकर आया जाए लेकर आए, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए।